नमस्कार मेहंदी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। सूरत पुलिस परेड ग्राउंड पर 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत तिरंगे को सलामी देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पुलिस आयुक्त महिला पुलिस कर्मियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। ट्रैफिक साइबर सेल जैसे कई कठिन समस्याओं में शहर की जनता ने सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। पुलिस आयोग ने परेड ग्राउंड पर जनता के बीच रहकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की। यही नहीं, सूदखोर साइबर क्राइम ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर जनता का धन्यवाद किया। देखिए पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं सूरत शहर पुलिस परिवार की तरफ से अपने सूरत के नगरजनों को खूब खूब जो शुभेच्छा देता हूँ। साथों साथ आज के दिन हम याद करते हैं ऐसे अपने जिन्होंने बलिदान दिया, आज आज़ाद भारत में हम लोग को रहने का जो मौका मिल रहा है, उन सभी जो आज़ादी के लड़वैयाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। और सूरत शहर पुलिस जो सदा अपने सूरत शहर के प्रजा के लिए, जो एक मिनी भारत अपना सूरत है, जहाँ पर लगभग जो 26 राज्यों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है, फिर भी अपने पुलिस सभी के साथ को अच्छा संकलन करके सूरत का ग्रोथ होता रहे, सूरत में काम धंधा बिजनेस बढ़ते रहे, उस दिशा में जो संकलन काम करती है और करती रहेगी। और आपके माध्यम से मैं फिर से जो सूरत शहर जनों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सूरत की पुलिस आपके बीच से ही आई हुई हमारी पुलिस है और आपके लिए है। और हम लोग सदा जितने भी तीज त्यौहारों रहेंगे, कोई बड़ा फंक्शन रहेगा, उसमें सूरत आप इंजॉय करिए। सूरत पुलिस आपको पूरा वो माहौल देगी जिसमें आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सके। साथों साथ अभी साइबर क्राइम के जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने में जो आपकी जो हमें मदद मिल रही है, जो छोटा छोटा भी क्राइम होता था आप रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ के बड़ी बड़ी घटनाओं को बनते रोक सकते हैं। हमारे ट्रैफिक का एक जो सूरत शहर पुलिस की तरफ से जो एक ड्राइव चालू की गई, उसमें आपका जो सहयोग मिला, जिसके वजह से बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट कम हो गए, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन को जो रोड क्रॉस करने में तकलीफ होती थी वो बहुत ही मिनिमम हो गई। चैन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग जैसे जो इंसिडेंट बनते थे वो एकदम 10% पे आ गए, 90% तक कमी हो गई। और जो डेली के जो झगड़े होते थे रोड पे ट्रैफिक को लेके, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेके, वो लगभग जो है 5% पे आ गए हैं। तो आपका सहयोग के लिए मैं आपका खूब आभार मानता हूँ और आपको फिर से मैं ये एश्योर करता हूँ कि सूरत शहर पुलिस हरदम जो है आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।